अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने आज बठिंडा दौरे किया। इस मौके पर उन्हें धुबियाना बस्ती में सरकारी प्राइमरी स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मनप्रीत बादल ने कहा कि लोकसभा चुनाव उनकी पत्नी व बेटा नहीं लड़ेंगे, एक परिवार में एक ही सदस्य राजनीति होना चाहिए। पंचायती चुनाव में उनकी गैरहाजिरी में पोल हुई उनकी वोट, वहाँ बादल गाँव में रहने वाला एक और शख्स मनप्रीत बादल हो सकता है, उसने मेरी वोट पोल की हो। प्रधानमंत्री की गुरदासपुर रैली के बारे में कहा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, रैलियां तो अब होंगी ही। प्रधानमंत्री गुरदासपुर में आए हैं, उनकी आगे पंजाब में कई मसले रखे गए हैं, तो उनको भी है कि कुछ ना कुछ मसलों का हाल तो जरूर प्रधानमंत्री करेंगे। केजरीवाल भी आ रहेगा, लगता नहीं भी इलेक्शन स्टार्ट होने वाला तो वो तो जाहिर है कि इलेक्शन जड़े अगले चार पाँच महीनों च हद बुनियाद मतलब पाँच महीनों तो ज़्यादा डिले नहीं हो सकते। और मैं आस रखना है कि जे अज प्राइम मिनिस्टर साहब आए है तो एक पंजाब नाल पिछले पंद्रह भी महीनों का पंजाब का मुकदमा जड़ा है वह कई बार मैनू भी पेश कर मौका मिले नॉर्थ ब्लॉक के जेटली साहब को जोड़ा 31,000 करोड़ रुपया जोड़ा कैश क्रेडिट लिमिट का सी तो उन्होंने लोन च तब्दील कर दिता गया। जे प्रधानमंत्री ओदे मुतलक अज पंजाब नू कोई राहत दे सकन तो मैं समझदा कि प्रधानमंत्री फिर अपनी राजनीति जेडे मुफाद है उन्हां तो जे बालातर होके और ओदा कोई ना कोई हल कढ सकन, क्योंकि 31,000 करोड़ रुपया जेड़ा कि 20 सालों च मोड़ना है और यदि टोटल रकम 64,000 करोड़ मोड़नी पेगी सने ब्याज, ये सरासर पंजाब नू नजायज़ पिया है, क्योंकि जिहड़ी CCL दी लिमिट हुंदी है ये FCI दे बिहाफ ते पंजाब झोना ते कणक खरीददी है। ये मैं समझदा एक किस्म दी पिछली सरकार जिहड़ी BJP अकाली दल दी सीगी उन्हां दी बेनीमियां होई हैं और ये पंजाब दी गरीब आवाम दे सिर जिहड़ा है कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए। तो मैं अज इस आस नाल कि जे प्राइम मिनिस्टर पंजाब आ रहे ने तो इहदा कोई ना कोई हल जरूर दस के जाणगे। पंचायती चुनाव च कहिंदे मनप्रीत बादल दी वोट ही की होर पा गया सब, मैं तो उस दिन बड़ा सख्त बीमार सी, मैनू फ्लू सीगा तो इहदा जवाब तो हुण प्रिजाइडिंग अफसर दे सकदे, मेरे कोले तो जवाब है नहीं। लगदा लापरवाही तो बहुत वड्डी है ना जी उत्थे, मैनू लगदा है कि साडे पिंड च इक होर भी मनप्रीत बादल रहिंदा है और वो लोग सभा तुहानूं तां पता है लोग सभा च भी उन्होंने खड़ा किया सी, कितें वो ना पा गया होवे या वो गलती भुलेखे नाल। बहरहाल मैनू इहदा कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं जे कोई पा गया तो चलो पा गया, पर मैनू डर है कि उस भुलेखे च मनप्रीत बादल ने ना पाती होवे। थैंक यू। अभी प्री प्राइमरी स्कूल शुरू किए हैं, उनमें किसी तरह की कोई ग्रांट तो आई नहीं है, तो प्री प्राइमरी स्कूल का अपना प्रोजेक्ट किस तरह से कामयाब हो पाएगा? सर जो उसके लिए ग्रांट की जरूरत नहीं है, जो टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों का है और सरकारी जो टीचर हैं वो दे विल बी एबल टू टेक केयर। सब मैं एक सोच का कायल है कि एक खानदान चो एक ही इंसान नु इलेक्शन लड़ने चाहिए, दूसरों मौका मिलना चाहिए। और जितों तक मेरा ते मेरे परिवार का सवाल है, असी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये फुल टाइम काम हुंदा जिहड़ा पब्लिक सर्विस हुंदी है, ते जे मेरी वाइफ ते बच्चे भी इस काम च आ गए तो मैनू लगता फिर असी तो तबाह हो जाएंगे। सो इस करके मैं फुल टाइम पब्लिक सर्विस लगे ये काफ़ी है और इन्हां नू और खास करके अर्जुन नू तां कोई अपने रुजगार दे मौके कोई कारोबार तां उन्हूं कोई ना कोई होर सोचना चाहिए, राजनीति च नहीं आना चाहिए। पर बहरहाल बॉटम लाइन है कि एक परिवार चो एक ही मेंबर जड़ा है वो राजनीति करे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।